नजर आ रही सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके यस सर। सही नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? दिख रही है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा हो तुम्हारे में, वीक सिग्नल वीक है। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है वो देख लेना फिर, जब अगर नहीं दिखती है किसी को स्क्रीन तो। सर दिख रही है। तो हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक, तो आज हम करेंगे वर्ल्ड बैंक नहीं, रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये बताया था ना कि पहले क्या होता है, जितनी करंट मेंबर कंट्रीज होती हैं सब अपने अपने गवर्नर भेजती हैं, तो उन सब गवर्नर्स को मिला के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन जाता है। तो ऑल पावर्स ऑफ द बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये बताया था कल कि जितनी भी पावर होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होती है। तो बैंक सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, और ये जो है बैंक की सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। However, the Board of Governors has delegated all powers to executive directors except those mentioned in the article of agreement. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कल के जो गवर्नर्स होते हैं वो साल में एक ही बार मीटिंग करते हैं, और बाकी जो डे टू डे वर्क के लिए वो अपनी पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे देते हैं, डिलीगेट कर देते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो मंथ में एक बार मीटिंग करते हैं आपस में। ठीक है, तो जो उसी मतलब वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो अपनी पावर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिलीगेट कर देते हैं, लेकिन कुछ पावर्स को छोड़ करके जो मेंशन है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में। और वो पावर्स क्या हैं जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में मेंशनड है जो वो डिलीगेट नहीं करते हैं? एक है एडमिट एंड सस्पेंड मेंबर्स, सेकेंड इंक्रीज और डिक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक। ठीक है, जैसे कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है वैसे ही वर्ल्ड बैंक की भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो उसको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना वो इनकी पावर होती है। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम ऑफ द बैंक, डिसाइड अपील्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेक फॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, suspend permanently the operations of the bank, increase the number of elected executive directors and approve amendments to the articles of agreement. ठीक है, तो ये वो powers हैं जो board of governors जो होता है वो delegate नहीं करता है executive directors को, बाकी इनके अलावा जो भी उसकी powers होती हैं वो सारी वो delegate कर देता है board of executive directors को। ठीक है, अब आ जाओ board of डायरेक्टर्स के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, उसका कोई वोटिंग पावर नहीं होती है। ठीक है, एंड ऑर्डिनरली हैज नो वोट एक्सेप्ट अ डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वल डिवीजन। सिर्फ वो कभी उस कब वो अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है, जब मान लो कोई डिसीजन लेना है और उसमें टाई हो जाए तो उसको उसका जो वोट होता है एक फिर उस वोट से वो डिसाइड किया जाता है कि क्या डिसीजन लेना है, अदरवाइज उसकी कोई वोटिंग पावर नहीं होती है उस सिचुएशन के अक्सर। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स individual cannot exercise any power nor commit or represent the bank unless specifically authorized by the board to do so. ठीक है, और executive directors क्या हैं, वो अपनी individual capacity में कोई power exercise नहीं कर सकते हैं, ना power को commit कर सकते, ना वो commit कर सकते हैं, ना वो represent कर सकते हैं bank को, जब तक कि specifically उसको authorized ना किया गया हो board की तरफ से। ठीक है, with the term beginning November 1st 2010 the number of executive director increased by 1 totaling 25। ठीक है, हमने जब कल पढ़ा था उसमें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर 22 बताया गया था। ठीक है, तो उसका तो हमने ये वाली जो इसकी पावर पढ़ी थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, वो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर इंक्रीज कर सकते थे, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये जैसे जैसे मेंबर कंट्रीज बढ़ती हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बढ़ने चाहिए, तो इसलिए ये बढ़ते बढ़ते जो है 1 नवंबर 2010 को टोटलिंग जो है 25 था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर अल्टरनेट्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैव फुल पावर टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनके सबके एक रिप्रेजेंटेटिव रेस्पेक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर होते हैं, अल्टरनेट्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट करते हैं जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद नहीं होता तो उस वक्त वो फुल पावर में एग्जीक्यूट करते हैं। फर्दरमोर सीनियर एडवाइजर एंड एडवाइजर्स असिस्ट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन देयर वर्क, हु कैन अलोंग विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अटेंड मोस्ट बोर्ड मीटिंग इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी विदाउट वोटिंग राइट। और मतलब क्या है, पहले गवर्नर होते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, और हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। फिर हमने ये पढ़ा था जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए भी पर्सन होते हैं, वो पर्सन कौन होते हैं, सीनियर एडवाइजर और ये सीनियर एडवाइजर और एडवाइजर अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मीटिंग अटेंड करते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इन सीनियर एडवाइजर्स और एडवाइजर्स का कोई वोटिंग राइट, जो वोटिंग राइट होता है सिर्फ वो किसका होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होता है। और जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद नहीं होता है तो अल्टरनेट्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वोटिंग राइट होता है, ठीक है। अब इसमें है प्रीवियस कंपोजिशन, अगला टॉपिक इसका वर्ल्ड बैंक के प्रीवियस कंपोजिशन, मतलब पहले क्या कंपोजिशन थी, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कब बढ़ाए गए, कितने बढ़ाए गए, उस सब के बारे में। तो द फर्स्ट बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आईबीआरडी आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट आर्टिकल 5 सेक्शन 4B, ठीक है। जो सबसे पहले जो बोर्ड कंसिस्ट था उसमें कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, सिर्फ 12 थे। इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर require a decision of the board of governors by an 80% majority of the total voting power, ठीक है। तो 80% of majority से फिर डिसाइड हुआ कि ये जो नंबर है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो उस फिर क्या किया गया, बिफोर November 1, 1992 देयर वर 22 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। 1992 से पहले 1 नवंबर कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, 22 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जिसमें से 17 जो थे वो इलेक्टेड थे और बाकी के जो 5 थे वो लार्ज मेंबर्स के इलेक्ट किए हुए थे, 5 बड़ी जो मैक्सिमम पावर वाले मैक्सिमम शेयर वाले जो कंट्रीज थे मेंबर्स थे 5 उन्होंने किए थे, उनके अपॉइंटेड थे, और 17 जो है बाकी लोगों के द्वारा, बाकी लोग कंट्रीज के द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा इलेक्टेड थे। In 1992, in view of the large number of new members that had joined the bank, the number of elected executive directors increased to 20. ठीक है, पहले कितना बढ़ाया है, 20 बढ़ाया है। The two new seats, Russia and a new group around Switzerland, brought the total number of executive directors to 24. और फिर जो है Russia और new group around Switzerland के total number बढ़ के फिर हो गए executive director के 24. और विद द टर्म बिगिनिंग November 1st, और जो टर्म 1 नवंबर से शुरू हुआ उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है 1 से और बढ़ा दिया, तो टोटल 25 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इनकी वोटिंग पावर के बारे में। वर्ल्ड बैंक एंड द IMF हैव अडॉप्टेड अ वेटेड सिस्टम ऑफ वोटिंग, ठीक है। वेटेड सिस्टम ऑफ वोटिंग अडॉप्ट किया गया है IMF और वर्ल्ड बैंक में। वेटेड सिस्टम मतलब क्या है कि जितना जिसका शेयर होगा उतना उसका वोटिंग पावर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर 22 है तो सबका एक वोटिंग पावर है, सबका इक्वल है, ऐसा नहीं है। उनका वोटिंग पावर जो है उनके वेट के अकॉर्डिंग है, यानी कि जितना उनका शेयर है उतना उनका वोटिंग पावर, जिसका शेयर जितना ज्यादा है उसका वोटिंग पावर भी उतना ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द IBRD आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, मेंबर्स इन द बैंक इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द IMF, ठीक है। जो IBRD आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है उसमें मेंबरशिप जो IBRD की वो ओपन टू ऑल है जो कि IMF के मेंबर्स हैं। अ कंट्री अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप इन द फंड इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई डाटा
on its economy, which are compared with data from other members countries whose economies are similar in size. क्या है कि जो भी member apply करता है membership के लिए उसको अपना सारा इकोनॉमी का डाटा सप्लाई करना पड़ता है, जो कि फिर डाटा जो अदर मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं सेम साइज की शेयर किया। अ कोटा इज देन असाइंड, और फिर उनको एक कोटा असाइन कर दिया जाता है इक्विवेलेंट टू द कंट्री सब्सक्रिप्शन, जितना वो सब्सक्राइब करता है उतना, ठीक है, मतलब जितनी वो उसने कैपिटल सब्सक्राइब करी उतना उसको कोटा दे दिया, यानी कि कोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कैपिटल सब्सक्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज, कोटा, सब्सक्रिप्शन टू द फंड, ठीक है, एंड दिस डिटरमाइंस इट्स वोटिंग पावर इन हैंड्स, और यही जो है उसकी वोटिंग पावर को डिटरमाइन करता है, यानी कि जितना कुछ वो सब्सक्रिप्शन करेगा फंड में उतना उसका कोटा होगा, और वही कोटा उसका जो है के डिसाइड डिटरमाइन करेगा उसका वोटिंग पावर कितना है, ठीक है। ईच न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द बैंक इज अलॉटेड 250 votes plus one additional vote for each share it holds in the bank's capital stock. ठीक है, जो भी नया member आता है उसको 250 votes दिए जाते plus one additional vote उससे हर share के बदले में जो capital में उसका capital stock में उसका उसने subscribe किया है। The quota assigned by the fund is used to determine the number of shares allotted, और जो quota उसने assign किया गया उसको उसके number of shares निकालने में काम आता है। Allotted to each new member country of the bank. Yeah. अब executive director के बारे में कि किस कैसे appoint किए गए हैं। Five executive director जो appointed हैं वो members by the members with the five largest numbers of shares. ठीक है, जो पांच हैं वो पांच अलग ने, मतलब एक उनका group बन गया पांच member countries का, उनको उनके group ने मिलकर के पांच को elect किया हुआ है। वो पांच countries कौन सी हैं currently? The United States, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, ये पांच कंट्री मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर के पांच एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डायरेक्ट किया है, अपॉइंट किया हुआ है। बाकी चाइना, रशिया फेडरेशन एंड सऊदी अरेबिया ईच इलेक्ट इट्स ओन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इन्होंने चाइना ने, रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने इन्होंने अपना अपना अलग अलग एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, एंड कि इनको पावर मिली है इनके शेयर के अकॉर्डिंग कि अपना एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये पांच प्लस तीन कितने हो गए, आठ हो गए। द अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द अदर मेंबर्स, और जो बाकी के जो बचे ये आठ हो गए, तो टोटल कितने थे 25 में से आठ हो गए, बचे कितने 17, तो बाकी 17 को जो है वो बाकी जो कंट्री मेंबर बचे उन्होंने अपॉइंट किया। द वोटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितने, मतलब जैसे एजेंसी है वोटिंग पावर जो है वो डिफर कर रही है सबकी की, अलग अलग वोटिंग पावर है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, तो बहुत कट कट कर आ रही है, एक सेकंड रुको। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज क्लियर है? हां जी सर। ठीक है सर, तो इसका ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है, चलो वैसे रिकॉर्डिंग चल रही, जिसको क्लियर नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, तो अब आ जाओ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, The World Bank commenced with an authorized capital of US dollars 10 billion, ठीक है, 10 billion की authorized capital से ये commenced किया गया था। अच्छा, authorized capital क्या होती है? Authorized capital तो पता होगा जो company में होती है उसी तरह से होती है, यानी कि maximum कितनी capital हो सकती है उसकी limit, जिससे वो registered होती है वो उसकी authorized capital होती है, 10 billion थी है,
ठीक है, कितने से 10 बिलियन, 10 बिलियन कितना होता है जिसमें मतलब 5 कितने 10 जीरोज होते हैं, टोटल 10 जीरोज से कितना बन गया, तो गया ये 1,000 करोड़ अरब। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइडेड है इनटू 1 लाख शेयर्स में, यानी कि 10 बिलियन जो डिवाइडेड है वो 1 लाख शेयर्स ऑफ US डॉलर्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख डॉलर ईच। ठीक है, 1 लाख डॉलर के 1 लाख डॉलर के 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है ये 10 बिलियन। ऑफ दिस ऑथोराइज कैपिटल US डॉलर्स 9,400 मिलियन वर एक्चुअली सब्सक्राइब, जो एक्चुअली सब्सक्राइब जो है वो 9,400 मिलियन डॉलर अभी तक सब्सक्राइब है। ठीक है, तो एज इन जून 1985 द ऑथोराइज कैपिटल स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड बैंक कंप्राइज ऑफ 7,16,500 ऑथराइज शेयर्स ऑफ द पार वैल्यू ऑफ 1 लाख डॉलर ईच ऑफ दोज 58,154 हैड बीन सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक क्या था, सिर्फ 58,000 ही सब्सक्राइब थे जो कि इशूड थे 7,16,500 उसमें से। ठीक है, दस द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज 51,350 ईच। 10% ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल हैज बीन कॉल्ड एंड पेड बाय मेंबर्स। ठीक है, शेयर का जैसे होता है ना, पहले इशू होता है, इशू के बाद सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप के बाद पे कर दिया जाता है। यानी कि पूरा कंपनी एक साथ कॉल्ड अप नहीं करती है, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, पूरे 10 रुपए नहीं लेती है, पहले कुछ पार्ट ले लेती है, बाकी जरूरत पड़ने पर ले लेती है। तो उसी तरह से वर्ल्ड बैंक में भी सिर्फ 10% जो है सब्सक्राइब कैपिटल का वो उन्होंने कॉल्ड किया और मेंबर्स ने पे किया। मतलब 1 लाख का शेयर था तो सिर्फ $10,000 ही कॉल्ड किया और मेंबर्स ने पे किया, बाकी जो $90,000 पर शेयर है वो उन्होंने बाकी बाद के लिए रखा। कब के लिए रखा, कि जब जरूरत पड़े तब हम कॉल करेंगे और ले लिया जाएगा। द रिमेनिंग 90% ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इज सब्जेक्ट टू कॉल व्हेन द वर्ल्ड बैंक रिक्वायर्स इट टू मीट डिमांड फॉर लोन्स और फॉर गारंटिंग लोन टू मेंबर कंट्रीज। ठीक है, बाकी जो 90% है वो जरूरत पड़ने पर, जब भी लोन की जरूरत पड़े या गारंटी ऑफ लोन की जरूरत पड़े मेंबर कंट्रीज को, तब कॉल करने के लिए उन्होंने बाकी रख लिया, बचा लिया। ठीक है, सारा ने उन्होंने कॉल नहीं किया। द वर्ल्ड बैंक फंड स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी फॉर रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉलो द 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक का जो फंड स्ट्रेटेजी है या स्ट्रेटेजी फॉर रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसमें 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू द वर्ल्ड बैंक बाय मेंटेनिंग अनयूटिलाइज एक्सेस ऑफ फंड इन मार्केट इन विच द वर्ल्ड बैंक बोरोज। ठीक है, क्या है कि उसने पहले तो एक एंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को, ठीक है, बाय मेंटेनिंग अनयूटिलाइज्ड एक्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, जो अनयूटिलाइज्ड एक्सेस ऑफ फंड्स है मार्केट्स में उसको अवेलेबल रखना। दूसरा, टू मिनिमाइज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लोन टू बोरोवर्स, कि जो बोरोवर्स हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं जो बोरो करेंगी आपस में, उनका जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कम से कम इंटरेस्ट उनको पड़े उसके ऊपर। टू हैव कंट्रोल ओवर वॉलेटिलिटी इन नेट इनकम एंड ओवर लोन चार्जेस, और जो वॉलेटिलिटी है यानी कि जो चेंजेस होते हैं इंटरेस्ट रेट में और इनकम, नेट इनकम में, उसको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, फोर्थ है टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन बैंक्स बोरोइंग एंड लैंडिंग, जो बैंक्स की बोरोइंग्स हैं और लैंडिंग है उसमें appropriate degree of maturity बना के रखना। ठीक है, अब ये इसकी कुछ borrowing and lending activities of the World Bank के बारे में है, इसको तुम लोग पढ़ लेना, lending operations of World Bank इसको पढ़ लेना, easy है, simple है। तो ये पूरा जो है World Bank की other activities भी दी हुई है। ठीक है, और इसमें बाकी banks भी है, बाकी banks के बारे में भी है, तो तुम लोग को ये सब पढ़ना है। आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग को, जो मैंने कल बोला था ना, क्या चीज बोला था, प्रेजेंटेशन के बारे में ना, वीडियो। हाँ, वीडियो।
तो तुम्हें वर्ल्ड बैंक के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन बनाना है पूरा कंप्लीट, ठीक है, 5 मिनट में उसको सम अप करना है। वर्ल्ड बैंक को हमें समझाना है ना? हाँ, वर्ल्ड बैंक का पूरा प्रेजेंटेशन देना है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, 5 से 10 मिनट, 5 से कम ना हो और 10 से ज्यादा ना हो। सर ये अलग अलग दे दो ना ताकि हम दूसरी चीजें भी समझ पाए। हाँ, अलग अलग कैसे, मतलब जैसे कुछ को वर्ल्ड बैंक दे दो, किसी को ये EIB दे दो, किसी को ADB दे दो, IDB दे दो, ASDB दे दो, का मतलब डिवाइड, ये ताकि हम दूसरों की वीडियो देख के हम उनसे देख ले सर। हाँ यही बात सही है तुम्हारी, तो फिर मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सबकी, क्या बात है, बहुत अच्छा। है ना? यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग से वोटिंग करा लेता हूँ। सर नहीं सर, मैं आप वर्ल्ड तो बैंक का हमसे करा सर, वोटिंग नहीं हो पाएगी। चलो मैं कुछ वर्ल्ड बैंक बच्चे करा सर। कम है, इसमें बच्चे कम है, वोटिंग नहीं कराता, मैं खुद दे देता हूँ, यस सर। एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, यस सर। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं हम सब, यस सर। तो जिन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट भेजे हैं या फिर एक लिस्ट निकाल के सबको, चलो सबकी लिस्ट दे दूंगा, सबकी लिस्ट बना दूंगा मैं, जितने भी बच्चे हैं तुम्हारे फाइनेंस वाले, ठीक है, तो लिस्ट बना करके मैं सेंड कर दूंगा, तो तुम लोग को ये सारे बैंक्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, ठीक है, कंप्लीट एक बनानी है प्रेजेंटेशन अपनी वीडियो के साथ, ठीक है, और उसमें तुम्हें जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो यूट्यूब से, गूगल से, ठीक है, और इन बैंक्स के बारे में विकिपीडिया से, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तब बनाना, ये नहीं कि एकदम एक जगह से उठा लिया बस सारा बना दी प्रेजेंटेशन अपनी, वीडियो बना दी। बनाओ ना, किसको किस पे बनाना, हाँ तो मैं लिस्ट बना करके सेंड कर दूंगा ना, किसको किस पे बनाना है, ये टोटल 7 बैंक्स हैं, ठीक है, लिस्ट बना करके सेंड कर दूंगा। और वीडियो अपलोड कैसे करनी है, जब तुम लोग वीडियो बना लोगे ना, तो वीडियो बना करके ये तुम्हारा इसमें यूट्यूब खुलता है ना, यूट्यूब ये रहा, जैसे के ये यूट्यूब खुल रहा है, इसमें कहाँ से अपलोड करना होता है वो बता देता हूँ, ये ऊपर वीडियो कैमरा का बटन आ रहा है, ठीक है, ऊपर राइट में, टॉप में राइट में सर्च के तो बराबर खुला ही है, नहीं, खुला नहीं, खुला नहीं, यूट्यूब खुला ही नहीं सर। दिख नहीं रहा तुम्हें, हाँ सर, चलो मैं वीडियो से रिकॉर्ड कर रहा अब आ गया, हूँ, देखो फिर से दिखा देता बैक हूँ मैं, करो। हाँ ये ऊपर राइट में टॉप में सर्च का वो दिख रहा है, ठीक है, यस सर, उसके बराबर में एक AYC लिखा हुआ दिख रहा है, वो दूसरा वीडियो कैमरा बना हुआ है, तो तुम्हें वीडियो अच्छा कैमरा पे सर। क्लिक करना है, जब तुम वीडियो कैमरा पे क्लिक करोगे तो वो तुमसे पूछेगा गो लाइव या रिकॉर्ड, और फिर अगर इसको तुम ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे वीडियोस दिखेंगी, ठीक है, सपोज करो तुम्हें ये वाली पहली वाली वीडियो डालनी है तो उस पर क्लिक कर दो, तो ये ओके सर, वीडियो अब अपलोड हो रही है, अभी यहाँ पे इसने ले ली ये वीडियो, अभी अब नीचे तुम्हें टाइटल डालना पड़ेगा, तो जिसके ऊपर तुम्हारी वो है प्रेजेंटेशन उसका टाइटल डाल देना, मान लो वर्ल्ड बैंक तुमने डाल दिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक डाल दिया, अब वर्ल्ड बैंक डालने के बाद नीचे उसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से अगर डालना है तो डाल देना, नहीं डालना है तो मत डालना, छोड़ देना, इसको पब्लिक करना है, इसमें और भी ऑप्शन है, अनलिस्टेड, प्राइवेट, तो पब्लिक कर देना है, ठीक है, लोकेशन तुम्हें डालनी है तो डाल देना, नहीं डालनी है तो नहीं डालना, ठीक है, फिर इसको अपलोड कर देना, अपलोड का बटन दबा दोगे तो वो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर ये अपलोड होनी शुरू हो गई, ठीक है, ये अपलोड हो रही है, तो इस तरह से ये तुम्हारी इस पर अपलोड हो जाएगी, और जब ये अपलोड हो जाएगी तो तुम कैसे शेयर करोगे वो भी मैं बता देता हूँ, तुम्हें अपना जो वीडियो देखनी होती है ना कि कहाँ पर है तुम्हारी वीडियो, वो पता है कहाँ से दिखती है, जैसे अभी ये वापस आ गया मैं, ये ऊपर
वीडियो कैमरा जहां था फिर सर्च था, बराबर में ये AYC का आइकन है ना, तो ये तुम्हारे चैनल का आइकन होता है, मतलब तुम्हारे अकाउंट का। तो इस पे क्लिक करोगे, ये जो जहाँ पे ये सर्च वाला था ना टॉप राइट में, यस सर, इसके बाद बराबर में भी ये सर्कल बना हुआ है, ये ओके सर, आईडी वाला AYC, हाँ ये आईडी वाला, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये खुल के आता है। तो यहाँ पे तुम अपने चैनल पे योर चैनल पे क्लिक करना, ठीक है, दिख रहा था ना योर चैनल, फिर ये वीडियो आ जाएगी। जब वीडियो आएगी, जो वीडियो तुम्हारी है उसका शेयर लिंक करने के लिए यहाँ मेन्यू पे क्लिक करना उसके, ठीक है, और फिर नीचे ये शेयर का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन निकाल के इसका लिंक निकालना है, लिंक कॉपी कर लेना तो तुम्हारा लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके जो मैं फॉर्म सेंड करूंगा असाइनमेंट का और प्रेजेंटेशन कंबाइंड फॉर्म शेयर करूंगा मैं, उस पर अपलोड कर देना है, वो मतलब लिंक उसमें कॉपी पेस्ट कर देना है उस जगह में जो जगह प्रोवाइडेड होगी लिंक बताने के लिए, ठीक है सर। तो अब ये काम तुम्हें करना है मंडे तक, जो असाइनमेंट दूंगा वो भी। सर अभी फ्राइडे में इंटरव्यू है सर, एक और फ्राइडे में इंटरव्यू है, अच्छा तो फ्राइडे में इंटरव्यू है तो कब तक करोगे, कितने दिन चाहिए, तुम्हारे ही तो है बस इंटरव्यू, बाकी किसी का थोड़ी है, नहीं किसी का सर ना, बहुत एक दो कितने थे उसमें लिस्ट में सर, उसमें तो मैं परदीन का नाम था सर, परदीन का था, तुम थे, दादा नहीं थे ना हमारे डिपार्टमेंट से, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के थे, यस सर, हाँ तो तुम ही तो तकरीब बाकी सबको तो मंडे तक करना है, थोड़ा मैं भी सर मंडे को दे दूंगा फिर, दे दोगे मंडे को, ठीक है मंडे को दे देना, क्योंकि काफी टाइम है, आज है क्या, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे आज का पूरा दिन तुम्हारे पास है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 5-4 दिन हो जाएगा ना असाइनमेंट भी और वीडियो भी, ठीक है, ये करके फिर उसमें फॉर्म में भर देना, मैं आज ही फॉर्म बना करके इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हम ये कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सारा वो फाइनेंशियल मार्केट वाला है, इसमें ज्यादातर वो ये है थ्योरेटिकल डाटा है पुराना, तो पढ़ना है ना, ओके सर, ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू सर, तो फिर मैं कॉल